हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल माता शब्द हटा दीजिए तो भारत जमीन का एक टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। ये विचार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रेरणा दीनदयाल की 25 सितंबर के दिन जयंती मनाई जाती है। वह भारत के ऐसे राजनेताओं में शामिल हैं जिनकी मृत्यु रहस्य बनकर रह गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 104 साल पहले मथुरा में हुआ था। चंद्रभान नांगला नामक गाँव के निवासी भगवती प्रसाद उपाध्याय रेलवे में कर्मचारी थे। वो अपनी गर्भवती पत्नी रामप्यारी के साथ ट्रेन से घर लौट रहे थे जब स्टेशन पर ही विषम परिस्थितियों के बीच 25 दिसंबर 1916 को दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ। उनका बचपन बहुत ही कष्टप्रद परिस्थितियों में बीता। उन्होंने 3 साल की आयु में ही पिता को खो दिया। इसके बाद माँ का भी साथ केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही छूट गया। इसके बाद पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई ननिहाल में रहकर हुई। आगरा और प्रयागराज से शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, उसके जगह वह आरएसएस के प्रचारक बन गए। देश की आजादी के बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की नींव रखी। 11 फरवरी 1968 की रात रेलवे यात्रा के दौरान मुगलसराय रेलवे जंक्शन के पास रहस्यमयी हालत में उनकी लाश मिली थी। आज तक उनकी मौत को लेकर खुलासा नहीं हो सका है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके नाम पर ही मुगलसराय स्टेशन का नामकरण किया है। इसके साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम भी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही रखा गया है। वैसे तो भाजपा हर साल पार्टी के युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाती आ रही है, पर इस साल वह सरकार से लेकर संगठन तक इसे व्यापक स्तर पर मनाएगी। इसके लिए सरकारी स्तर पर गरीब कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है जो सभी विकास खंडों में लगाए जाएंगे। सभी 826 विकास खंडों पर वृहद आयोजन किया जाएगा। मेले में दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग वितरण, विभिन्न पेंशन, आवास और स्वरोजगार योजना से वंचित पात्र लोगों को योजना से जोड़े जाने के साथ साथ आरोग्य मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। बैंकों से समन्वय स्थापित कर विशेष ऋण शिविर लगाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके पहले भी भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई योजनाएं और पार्क आदि का निर्माण कर चुकी है। कल्याण सिंह की सरकार में लखनऊ के चारबाग के पास दीनदयाल स्मृतिका का निर्माण कराया गया था। यही नहीं, जब राजनाथ सिंह की भाजपा सरकार थी तो उस समय भी उनके नाम पर लखनऊ में एक बड़े पार्क का निर्माण कराया जा चुका है। योगी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कर चुकी है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है। जनतंत्र टीवी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके जन्मदिवस पर नमन करता है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।